गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ट्रैवलिंग स्नीकर्स। टुडे इज एपिसोड 6 ऑफ द कोस्टल सीरीज ऑफ केरला। सो आज हम लोग थोड़ा कोस्ट से अलग हटके वी आर गोइंग टू नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ पे नयार डैम भी है, बट फर्स्ट विल कवर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसके बाद इन द इवनिंग लाइट हाउस इज पेंडिंग, तो डैट वी विल कवर। सो चालू करते हैं आज का व्लॉग एंड वी आर गोइंग टू नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ जाके मैं आपको सारे रेट्स, टाइमिंग सब कुछ बताता हूँ। फिलहाल के लिए चलते हैं। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। चलिए चलते हैं नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो गाइज़ हम पहुंच गए थे नयार डैम एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आपको मैंने डैम के कुछ शॉट्स दिखाए हैं। तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है जिसकी वजह से कोई भी एक्टिविटी अभी चल नहीं रही है। तो हम जस्ट वेट कर रहे हैं। यहाँ पे KTDC का एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे वी ईट फूड एंड वेट कि बारिश बंद हो जाए एंड देन वी कैन रिज्यूम द एक्टिविटीज़। बहुत तेज़ बारिश अभी भी हो रही है, तो हमने KTDC के एक होटल और रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया है। अब नीचे जाते हैं, देखते हैं कि बोटिंग वोटिंग कुछ भी हो रहा है तो करेंगे, नहीं तो यहाँ से निकलते हैं। बारिश रुक गई है तो हमने टिकट ले लिया है फॉर द बोट राइड, डियर पार्क, क्रोकोडाइल पार्क। सो चलते हैं इस अमेजिंग से सेंचुरी में। नयार डैम बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये रिजर्वॉयर आप देख सकते हैं, एकदम पीसफुल है। अभी बारिश ख़त्म हो गई है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो अगर आप त्रिवेंद्रम आ रहे हो, कोवलम आ रहे हो, तो यहाँ का प्लान ज़रूर बनाएं। एक बार मौसम देख लें, बिकॉज आज मौसम थोड़ा रेनी हो गया था तो काफ़ी कुछ डिले हो गया। सो लेकिन इट्स ऑसम, एक बार आप इसकी ब्यूटी का मज़ा लें।
सेंचुरी इज डन। आपने देखे हुए कितने अमेजिंग व्यूज थे, हमने एलिफेंट देखा, डियर देखा, क्रोकोडाइल्स देखे, और सच अ ब्यूटिफुल लेक राइड। सो इफ यू आर कमिंग टू त्रिवेंद्रम और कोवलम, यू शुड विजिट दिस प्लेस, इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। और दिस इज़ द नयार ब्रिज, और यहाँ पे आप देख सकते हैं द डैम। ऑसम व्यूज है गाइज, ज़रूर आए। एंड द कॉस्टिंग फॉर द बोट राइड एंड एवरीथिंग इंक्लूसिव वॉज 2500 फॉर अ प्राइवेट बोट। इफ यू आर कमिंग इन अ ग्रुप इट विल बी 250-400 रुपीज पर पर्सन। सो आप जैसे भी चाहते हैं अपना बजट खो कर सकते हैं, हमने प्राइवेट बोट ली थी। सो अब चलते हैं वापस कोवलम की तरफ। पहुंच गए हैं लाइट हाउस पे, तो अभी ऊपर जाना इज नॉट अलाउड, मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ, बट यहाँ से अमेजिंग व्यूज दिखते हैं और पार्किंग की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। टिकट्स आर 20 रुपीज फॉर अडल्ट। गाइस दिस इज द फेमस लाइट हाउस ऑफ कोवलम। A very beautiful lighthouse with historic relevance. और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यूज़ दिखता है आपको कोवलम बीच का और हावा बीच का। हाँ लाइट हाउस, ये बंद है बेटू, लाइट हाउस यू कैनॉट गो इन। ये देखो सी सच अ ब्यूटिफुल व्यू, एंड we have a very good view of the open sea as well. Guys, we are back at our hotel, had a snack in a lovely Leela Resorts. So Leela Palace is also a very good property to stay in. It's a bit on expensive side, so you can go and check that property as well. The food was amazing. So this was end of the coastal series of Kerala. In this entire series I have been to Varkala and Kovalam and showed you guys where you can do what activities and things you can do in Varkala and Kovalam. And if you haven't seen my videos, so you can check out this link here. I'll put the entire playlist here for you guys, the entire 6 episodes, so that you can plan your itinerary accordingly. And whenever you're coming to Varkala or Kovalam or Trivandrum, so then you can check out these places. These are awesome places which you can visit with your friends, family. So if you liked my video, please do like, subscribe and share. And in the next vlog mein kisi aur destination par. Tab tak ke liye bye bye from Traveling Sneakers.